हेलो वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज बिग बॉस के जो सेकंड एपिसोड जो हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। और सुबह सुबह जी पहले एक क्लिप दिखाया जिसमें विशाल सुंदरी से बात करते हैं, जो सुंदर और सीटरी है उससे बात करते हुए दिखाता है, थोड़ा अपना दिल का बारे में बताता है। वो एक क्लिप छोटा सा था। वहीं पे सुबह सुबह जो महिषा अय्यर वो रोते हुए दिखी, रो रही थी। और उसको जो विशाल कोटियन है वो उसको थोड़ा समझा रहा था क्या हुआ, पूछ रहा था क्यों रो रही, क्या हो गया। तो फिर महिषा बता रही थी कि बिकॉज ऑफ प्रत्येक जब से घर पे आया है तो उसके साथ जो था निशांत भट्ट, उसको मतलब उसके बारे में कुछ कुछ बातें बता रहा था कि रिलेटेड टू खाना ये वो कुछ कुछ बता रहा था। तो उसमें उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो रो रही थी। तो ये तो क्लीन एक दिख रहा था कि बार बार महिषा बोल रही कि मुझे पोक करने आता है प्रतीक, हमेशा मेरे को पोक करने को आता है, ये करने को आता है, वो करने का आता है। तो एक दिख रहा है जैसे कि पहले भी प्रतीक और दिव्या अग्रवाल का जो बिग बॉस ओटीटी में दिखता था तो कहीं ना कहीं वो भी प्लान दिखता था, और कहीं ना कहीं अभी भी एक प्लान दिख रहा है क्योंकि प्रतीक महिषा को बाहर से ही जानता है। तो ये भी एक प्लान दिख रहा है कि दोनों अंदर आके कुछ अपने खिचड़ी पका रहे, और जब फालतू सा खिचड़ी पका रहे सच में कुछ मजा नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर जो घर पे राशन आता है दोनों तरफ, एक जंगलवासी के लिए और एक घरवासी के लिए। तो घरवासियों के लिए जो राशन आता है एकदम भरपूर, सब कुछ बटर घी ये वो सब लग्जरी आइटम्स के साथ आता है। और जो जंगलवासी के लोग रहते हैं उनको एकदम लिमिटेड सा चीजें आते हैं, जबकि जंगलवासी 13 लोग थे और यहाँ पे लोग 3 लोग, तो एकदम लिमिटेड सामान इन लोग को मिला। और 3 होके भी इन लोगों को भरपूर सा सामान मिला था। तो देखिए वो लोग काफी जल रहे थे जंगलवासी वाले, उन लोगों को लग रहा था अरे क्या यार लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है। तो बोल तेजस्वी बोलती है कि थोड़ा घी मिलेगा तो मेरे को भी दे दे, हम लोग को शेयर करना घी खाने में डालने के लिए। फिर कट टू कट थोड़ी देर के बाद ये हमें दिखा कि जय भानुशाली और उमर रियाज और तेजस्वी और साथ में और भी जो 3 लोग थे उन लोग बैठ के शमिता शेट्टी को खींच रहे थे, उनको मतलब चिढ़ा रहे थे जो बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापत थे, तो उनको उनके साथ जोड़ के खींच रहे थे। और अच्छा खासा छोटा मोटा जय भानुशाली की तरफ से अच्छा खासा छोटा मोटा थोड़ा एंटरटेनिंग आ रहा था। जय भानुशाली बहुत अच्छा तगड़ा कंटेस्टेंट दिख रहा है जहाँ पे वो कॉमेडी भी कर रहा है, मतलब लोगों को कॉमेडी भी कंटेस्टेंट को हंसा भी रहा है, और साथ में अपना अलग रूप गुस्से वाला रूप भी प्रतीक के साथ दिखा रहा है, और अपना अलग नेचर भी दिखा रहा है, और एकदम डिसीजन लेते हुए दिखा रहा है कि मतलब वो ग्रुप का लीडर ऑलमोस्ट बनते हुए दिख रहा है। कि जो जय भानुशाली बोल रहा है तो वो सबसे दिख रहा है कि जय भानुशाली पूरा जो जंगलवासी की लीडर जैसा एक वैसा आ रहा है जैसा जय भानुशाली और विशाल कोटियान, ये दोनों एकदम सामने से तगड़ा होकर आ रहा है। और यही पे प्रतीक सहजपाल जो थोड़ा घर वालों के जो जंगलवासी जो भी है उन लोग के बारे में कुछ कमेंट करता है, कहता है कि यार ये लोग तो कुछ नहीं है, ये लोग को अपने इसमें स्टैंड लेना आता नहीं, ये करने आता। तो शमिता भी टोकते बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन लोग भी स्ट्रांग है और लोग स्टैंड ले रहे, तो ये मत समझना करके। तो प्रतीक फिर उन्हें ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहता, तो प्रतीक कहीं ना एक ओवर कॉन्फिडेंट वाला दिख रहा है उसके अंदर, उसको लग रहा है कि ना कि अरे अपन इधर 3 अपन को एक फैसिलिटी मिला अंदर घर के अंदर रहने का एक फैसिलिटी मिला, तो उसका एक फायदा उठा के इन लोग की बजाने का। प्रतीक का तो पहले से जो बिग बॉस ओटीटी में दिखाता था वही यहीं पे दिखाने का पूरा मतलब पूरा कट टू कट वही सेम टू सेम दिखा रहा हो, कुछ अलग नहीं कर रहा हो, सेम जैसा वैसा वहां पे लग रहा था वैसे यहीं पे भी लग रहा है। और यहाँ पे चेंज निशांत भट्ट काफी चेंज दिख रहा है, निशांत भट्ट का तो क्लिप ही बहुत कम आता है, शमिता शेट्टी का तो फिर भी कुछ कुछ थोड़ा आ जाता है, तो ये थोड़ा माइनस निशांत भट्ट और शमिता के लिए है। बट प्रतीक के लिए प्रतीक का क्लिप ज्यादा आता है, लेकिन प्रतीक का जितने भी क्लिप्स आ रहे हैं वो नेगेटिव में जा रहा है, प्रतीक का जो देखा हुआ दिखा है ना वही दिखा रहा है। और इसमें ज्यादा इसके चक्कर में प्रतीक स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, जो जय भानुशाली हो या फिर विशाल कोटियान हो इन लोग ज्यादा मतलब ये बिग बॉस प्रतीक को लाके इसलिए दिखा रहा था कि उन लोग ऊपर आए। अभी ये तो क्लियर यहाँ पे पता भी चलता है कि यहाँ पे प्रतीक हो या फिर शमिता शेट्टी हो या फिर निशांत भट्ट, इनमें से कोई भी विनर नहीं बनने वाला है। विनर जो बनेगा जो अभी जो 13 कंटेस्टेंट्स आए उनमें से एक ही बनेगा, इन लोग में से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रतीक ने जो है बैग उठा के चला गया था, तो वो एक ऑलरेडी नेगेटिव फ्रेम में है,
बिग बॉस की तरफ से वो कभी विनर नहीं बनेगा, ये तो मैं तो यहीं पे गारंटी देता हूँ। और न ही शमिता शेट्टी बनेगी, कि शमिता शेट्टी इतनी पॉपुलर उन लोग से तो नहीं, बाकी कंटेस्टेंट से तो नहीं है। और निशान भट्ट जिस तरह से दब रहा है, तो यहाँ से भी क्लियर दिख रहा है कि निशान भट्ट का भी आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। और जंगलवासी की टीम में से बता दो तो उन लोग में से जय भानुशाली काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और जय भानुशाली के साथ साथ विशाल कोटियान भी अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन वो मतलब वही कॉमेडी लेवल में दिख रहा है, अच्छा एंटरटेन कर रहा है। कब तक रहेगा इसकी गारंटी नहीं, बट लंबे समय तक रह सकता है, और बहुत अच्छा खेल रहा है वो भी जितना दिखा रहा है, क्योंकि उसका ज्यादा फुटेज आ रहा है। और दूसरी तरफ उमर रियाज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंपिटेटर है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनका जो फैन फॉलोइंग बेस जो आसिम रियाज के थ्रू आ रही है, और वो बहुत ही बड़ा टफ कंपिटेटर सबके लिए होने वाला है, क्योंकि तो आज का एक ही दिन हुआ है तो जिसमें उमर रियाज का बहुत ही कम क्लिप था, लेकिन इतना तो पता है कि आगे जाके उमर रियाज और जीतने वाला, और इतना जो है कि 6-7-8 हफ्ते तक तो उमर रियाज कहीं नहीं जाने वाला है, फिक्स है अंदर। और 8 हफ्ते के बाद भी अगर खराब परफॉर्मेंस उमर रियाज करेगा तो उमर रियाज वहां पे बाहर जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ना खराब परफॉर्मेंस करेगा, कि वो जरूर ना वो सीख के आया होगा आसिम से। और रही बात, मैंने कल एक बताया था कि अफसाना खान थोड़ा ठंडी दिख रही है, लग नहीं रही है, आज वो थोड़ा गलत साबित हुआ मेरा, क्योंकि मैंने जहां तक देखा आज अफसाना खान काफी वायलेंट में भी दिखी और काफी स्ट्रांग दिख रही थी, और कहीं ना कि वो एक डॉली बिंद्रा की याद दिला रही थी जो बिग बॉस 7 में था आई थिंक, तो डॉली बिंद्रा का याद दिला रही। और दूसरी तरफ जो महिषा अय्यर और डोनल और एक और लड़की आकाशा, ये तीनों पता नहीं क्या कर रहे। महिषा अय्यर तो प्रति करके बैठी है, डोनल तो दिख भी नहीं रही है, और जो तीसरी आकाशा सिंह वो दिख रही है, बट वो भी नेगेटिव में जा रही है। वो मुझे तो जो आकाशा अभी वो महिरा शर्मा जैसा लगने लगी है कहीं ना कहीं, जैसा एक पारस छाबरा महिरा शर्मा होती थी, और वैसे ही यहाँ पे मुझे प्रतीक सेजपाल और एक आकाशा सिंह दिखाई दे रहा है, क्लियरली मुझे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है दृश्य। अगर प्रतीक सेजपाल यहाँ से निकल के आ गया बात तो ठीक है उसके लिए, नहीं तो फिर फुल नेगेटिव में जाने वाला प्रतीक सेजपाल आगे जाके, और लग रहा है कि आगे जाके नेगेटिव में जाएगा वो, क्योंकि जितना स्ट्रांग फॉलोइंग में मतलब फैन बेस है जय भानुशाली का और करम कुंद्रा और किसका भी हो, तो प्रतीक सेजपाल ये फेल हो सकता है आगे जाके। बाकी कंटेस्टेंट्स जो सिम्बा नागपाल का एक अच्छा पिक आया था, जो सब लोग झगड़ा कर रहा है, सिम्बा नागपाल सिर्फ ऐसे ही चुपचाप बैठ के देख रहा है, खाना खा रहा है, उसका एक फोटो दिखा, ऐसा एक कैमरा भी दिखा दिया उसको, एक ही वो पिक पोज दिखाया बाद में हटा दिया, लेकिन वो पोज से बहुत कुछ बता दिया कि सिम्बा नागपाल मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से, अपना खा रहा है वो मस्त में, बाद में जब उसके गले में कोई आएगा तो फिर वो फटेगा, ऐसा लग रहा है कि जो सिम्बा नागपाल का एटीट्यूड दिख रहा था तो कुछ अलग ही दिख रहा था, और मुझे लगता है अगर उसके गले पे कोई आ गया तो फिर वो फटने वाला है, और मुझे लगता है कि वो प्रतीक सेजपाल से ही फटने वाला है, क्योंकि प्रतीक सेजपाल और उसका आई थिंक एस ऑफ स्पेस में ही नहीं जम रहा था ऐसा सुनने में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ उल्टा हो सकता है। फिर और कंडीशन जो ईशान करके है उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और एक जो साहिल श्रॉफ जो था वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, खाली नथिंग, कुछ नहीं आ रहा उन लोग से। और यहाँ पे आकाशा और प्रतीक का फ्लर्टिंग दिख रहा था, और अब ऑडियंस भी क्या समझेगी प्रतीक के बारे में, पहले से प्रतीक जो बिग बॉस ओटीटी में नेहा भसीन के साथ जो हरकतें थी वो हरकतें यहाँ पे कुछ आकाशा सिंह के साथ भी नजर आ रही है धीरे धीरे, तो ये उसके लिए बहुत सारा नेगेटिव चीज दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव थिंग किसी और को पॉजिटिव करने के लिए बस दिखा रहा है। अगर प्रतीक का ज्यादा ये आ रहा है फुटेज, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतीक दिख रहा है, तो प्रतीक ये है प्रतीक का फुटेज ज्यादा आ रहा है किसी और के सामने तो भी बस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई और जो कंटेस्टेंट जो जंगलवासियों में से उनमें से एक को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश जा रही है, ये ध्यान में रख लेना। वहीं पे वो महिषा अय्यर का एक कोई अंडरगार्मेंट पहन रही थी, प्रतीक वहां से आ रहा था, उसके ऊपर छोटा सा इशू हो गया, और बाद में महिषा अय्यर को प्रतीक का शान लेते बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी बोलती भी है नहीं भी लोग का समझ में नहीं आ रहा है, लोग तो प्लान नहीं लग रहा है कुछ, छोड़ो इनका तो मैं टॉपिक लूंगा भी नहीं। फिर वहीं पे सुबह होता है और मॉर्निंग का जो गाना बजता है, बच के रहना बाबा बच के रहना,
आई थिंक उर्मिला मातोंडकर का सॉन्ग है वो, बच के तू रहना रे बच के तू रहना ऐसा कुछ सॉन्ग है उर्मिला मातोंडकर का है, वो भी कौन सी मूवी का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सॉन्ग से सबके जो मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन कोई नाश्ते में कोई दिखा नहीं, सब उठे बोला कि ऑलरेडी सब थके हुए थे, सब उठे यार क्या करना पता नहीं उनको। फिर वहीं पे प्रतीक जो है मॉनिटर बनने लग गया, यहाँ वहाँ का मॉनिटर के लिए करना शुरू हो गया, अरे ये जुदा किसका है, अरे ये किसका है, ये उठाओ ये उठाओ, जो बिग बॉस 23 में दिखा रहा था वही यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया उसने। और जो उसका जवाब मिला विशाल कोटियान से वो एकदम खतरनाक था। जो प्रोटीन है जो शेखर है ये मैं अपने बाथरूम में भी रखता हूँ क्योंकि प्रोटीन स्टिंग करता है, तो अगर ये मैं यहाँ पे रखा हूं तो ये यहां से नहीं हिलेगा, ये मेरी मर्जी है और ये मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि अच्छा जगह दिख रहा है। तो प्रतीक वहीं पे ये हो गया कि भाई ये क्या बात कर रहा है, और ऊपर से उमर भी बोलता है मेरा भी टॉवल इधर है तो मेरा भी टॉवल उधर ही रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जय भानुशाली भी पिन पॉइंट करना शुरू कर देता है, जय भानुशाली भी बोलता है कह रहे भाई क्या तू अपना नया नया लेके आएगा, तो कोई बिग बॉस के पेपर वेपर में लिखा था क्या कि तू इधर आएगा और जो जिसका जूता इधर पड़ेगा ये इधर पड़ा रहेगा तो तू उसको पॉइंट करके बताएगा हम लोगों को ये कर वो कर, सुनने तो ना है किसी का भी। अब कहीं ना कहीं प्रतीक का एक प्रतीक की तरफ से एकदम ये लग रहा है कि बिग बॉस ओटीटी का सेम वही हरकत जो अपना रहा है, बाकी कंटेस्टेंट्स को इसमें फायदा होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निशांत को समझना होगा, प्रतीक को बताना होगा कि भाई ये सब मत कर, कहीं ना कहीं तू ही नेगेटिव में जाने वाला है। फिर वहीं पे बिग बॉस ने बताया कि अब घर वालों के लिए थोड़ा तकलीफ होगा कि जितना भी सामान है आप लोग का एसेंशियल सामान को छोड़कर और एक तो कपड़ा छोड़कर बाकी आपको बिग बॉस का जो जंगल का जो गुफा है उसमें डालना होगा। तो लोग फिर उसमें बहस करने लग जाते हैं और वहाँ पे अफसाना खान बोलते हैं हाँ मेरा सब डाल जाता है, वहाँ पे जय भानुशाली भड़क जाता है कहता कि भाई तू इतना जल्दी उन लोगों का सपोर्ट क्यों कर रहा है, इतना जल्दी तू हार क्यों मान रही है, इतना जल्दी ये क्यों कर रही है, तू हम लोगों के खिलाफ जा रही है। तो वहाँ पे अफसाना पलट जाते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कर रही थी वो नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे पीछे से विधि बोलती है कि अरे तू यही कर रही थी, तो उसके बोलने से अफसाना जय भानुशाली पे नहीं भड़का, अफसाना डायरेक्ट विधि पे भड़का तू क्या ये कर रही ये कर करके ऐसा हल्के से टच कर देती है। तो उससे बोले कि डोंट टच, ये मैटर वजह कदम कर डोंट टच मत करना। भानु वो पॉइंट को लेकर अफसाना ने जो हंगामा करा कि अरे मैं तो टच कर रही थी, मैं तेरे को धक्का दिया क्या, बिग बॉस के रूम में धक्का देने का ही नहीं है, वायलेंस है नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरे को पता है मैं तो ना कुछ धक्का दिया तो टच किया तो ये कर रही है, जबकि विधि ने कुछ भी नहीं बोली थी बेचारे ने, वो सिर्फ इतने बोले कि डोंट टच हाथ मत लगा बस इतनी ही बोली थी उससे, वो इतना भकेड़ा करा गया। और सबसे मजेदार वाला सीन वो आया जब विशाल कोटियान आता है बीच में बोलते है साइड में तू इधर जा तू इधर जा, जो बीच में जितने लोग खड़े थे उन लोगों सबको साइड में करता है, अफसाना बोल जा मार के दिखा अभी मार के दिखा हाथ लगा के दिखा, इतना ही बोलते इधर अफसाना की भी फट जाती है अरे भाई कर क्या रहा है। और यहाँ पे बिग बॉस को शायद से पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये झगड़ा रोक रहा है, डायरेक्ट आके झगड़ा ही रोक रहा है, सबको साइड में कर दिया भाई मार के दिखा झगड़ा खत्म, क्योंकि मालूम में कोई मारने वाला नहीं है, सब ये फालतू की ढक्करबाजी करने वाली है, कोई करने कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो विशाल कोटियान तैयार बोलते मार के देखा, तो बिग बॉस को भी शायद पसंद नहीं आया कि भाई कोई आके झगड़ा रोक रहा है, तो बिग बॉस चाहता है कि झगड़ा बढ़े और अपना फुटेज चलते रहे, बट इससे तो इधर आके पूरा डीएनडी कर दिया। तो वैसे आज का जो एपिसोड खत्म हुआ और अब कल का जो एपिसोड आने वाला है तीसरा, तो एकदम वो बहुत अच्छा वाला है क्योंकि इसमें सुना है और एक प्रोमो देख जो सुना नहीं सॉरी प्रोमो देखा है जिसमें जय भानुशाली और प्रतीक के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और अगली फाइट हुआ है और आई थिंक जय भानुशाली नहीं चुनने वाले, उसको एक टसन आ गया प्रतीक के ऊपर। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।